आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 28.28 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द पार्टिकल विल बी एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स मोशन। व्हाट इज द टाइम गैप इन सेकेंड्स बिटवीन दोज टू इंस्टेंट्स? ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग को क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया गया है और हम लोग को एंगल 45 डिग्री कह रहे हैं कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अभी कह रहे पार्टिकल विल बी एट द हाइट ऑफ 15 मीटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो उसका इन दोनों के बीच का टाइम गैप कितना होगा वो हम लोग को पूछ रहे हैं। ठीक है, बिटवीन दोज टू इंस्टेंट। तो देखो, हम लोग पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऐसे, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ u, हम लोग का स्पीड जो है वो क्या है, 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा एक पैराबोलिक पाथ लेते हैं और यहाँ पे ऐसे आके अल्टीमेटली ग्राउंड पे आके रीच करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट रीच करने से पहले ये इसका मैक्सिमम यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टिकल विल बी एट द हाइट ऑफ 15 मीटर ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हाइट से कम होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट से कम ये वाला एक मान लो दिस इज दिस हाइट इज 15 मीटर, दिस इज द पॉइंट विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो यही पॉइंट अगर हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन यहाँ पे आकर ज्वाइन करें तो यही हाइट पे पार्टिकल वापस मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद भी आके यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 15 मीटर। तो इस टाइम इंस्टेंस इन विच द पार्टिकल रीचेस दिस टू पोजिशन दिस सेम पोजिशन, ठीक है, इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ये निकाल हम लोग कैसे सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो अलोंग वाई एक्सिस जो मोशन है, अलोंग वाई एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस हम लोग का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है यू वाई इज इक्वल टू यू कॉस 45 डिग्री, सॉरी यू साइन 45 डिग्री होगा, कॉस 55 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस है, यू कॉस 45 डिग्री एंड अलोंग एक्स वाई एक्सिस हम लोग का बनेगा यू साइन 45 डिग्री। तो अभी हम लोग का जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग का 15 मीटर, सो 15 इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि हम लोग का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है वो पहले 15 मीटर के लिए हम लोग का जब ऐसे ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग के लिए वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन पे, तो हम लोग का रिटार्डेशन होगा। नाउ यू आई है हम लोग का यू साइन 45 डिग्री, सो हम लोग लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू यू के जगह हम लोग 28.28 और साइन 45 डिग्री हम लोग का बनता है 1/√2 टी माइनस हाफ जी के जगह हम लोग लिखेंगे 10 टी स्क्वायर। नाउ 15 इज इक्वल टू हम लोग का क्या बनेगा, 28.28 इंटू 1/√2 बनता है हम लोग का होता है 1.414 टी माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, सो 1.414 इंटू 20 करने से हम लोग को 28.28 मिलता है। तो 15 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 20 टी माइनस 25 से कैंसिल गया, तो 5 टी स्क्वायर। नाउ ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है, ठीक है, तो हम लोग 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 15 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते जीरो लिख सकते हैं। तो इससे जो कि हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है, इससे हम लोग का टी का दो वैल्यू मिलेगा और वो जो दो हम लोग को टी का वैल्यूज मिलेगा दैट विल बी द टू टाइम इंस्टेंट एट विच अ पार्टिकल विल हैव द सेम हाइट अबव द ग्राउंड दैट इज 15 मीटर। तो हम लोग कैसे इसको 5 से डिवाइड कर जो पूरा इक्वेशन को, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू हम लोग को जीरो मिलेगा। तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो ऐसे, सो टी माइनस 3 यहाँ से t कॉमन ले लो, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो t माइनस ऑफ 3 विल बी इक्वल टू जीरो। तो इससे हम लोग को t माइनस 1 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो है, तो इससे हम लोग को t का दो वैल्यू मिलते हैं, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और इन दोनों ही टाइम इंस्टेंस में हम लोग का पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड है दैट इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वो 15 मीटर होगा। और यहाँ पे हम लोग को व्हाट इज द टाइम गैप हम लोग को पूछ रहे, तो टाइम गैप क्या होगा, टाइम गैप विल बी t2 माइनस t1, सो डेल टी दैट इज टाइम गैप विल बी t2 माइनस t1 दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।